हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। Smoking causes cancer. Smoking kills. सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। Liquor drinking is injurious to health. शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अमरावती में ट्रेन लूटी गई। सरकारी खजाना लूटकर नाटक मंडली हुई फरार। लुटेरों का पता लगाने में जुटी पुलिस। नहीं, मेरा लूट से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने ट्रेन लूटी है। मैं कल रात स्टेशन के बाहर गाड़ी लगा के सो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये लोग बांध के मेरी गाड़ी लूट के ले गए। पुलिस नहीं, बैंड मास्टर। अभी रहा। अभी ना, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी लॉरी लेकर। एंड मास्टर, आज ताल हम देंगे और रात तू छेड़ेगा। उठा अपना बाजा। जो फैसला मैं दूंगा, तू अपने बाजे से उसकी जय जयकार करेगा। आज की अदालत का पहला अपराधी दशानंद रावण, दानवों में श्रेष्ठ, मानवों में सबसे शक्तिशाली। और न्याय ऐसा होगा कि मानव और दानव दोनों याद रखेंगे। मास्टर, मैंने ताल दिया और तेरा सुर नहीं लगा। चार वेदों का ज्ञान इन चार सिरों ने अर्जित किया। इन्हें मानवों की रीत रिवाज से जलाओ। ये लो। अस्त्र शस्त्र का वरदान पाया है इन 5 सरों ने। इन्हें दानवों की प्रथा से गाड़ो। मगर इस आखिरी सर का क्या करें? अबीरा का सिंहासन देख रहा है? इस सिंहासन का अपना इतिहास है। सिंहासन पर बैठने वाले की नजर जिस लूट पर पड़े वो उसकी हो जाती है, समझे? वरना उस सिंहासन का अपमान होता है। इस लूट पर तो मेरी नजर थी ना रावण, फिर भी तुमने उद्दंडता की। ये क्या कर दिया तूने? सिंहासन का अपमान कर दिया?
हमसे भूल हो गई अबीरा, हमें हमें माफ कर दो। गलती से भटकने वाले को तो माफ कर दो, लेकिन जानबूझकर भटकने वाले को कैसे? ए कोयला, ये रावण के आखिरी सर का क्या करें, जलाए या गाड़े? अब हम मानव और दानव दोनों ही हैं अबीरा। ठीक है, मैं जलाता हूँ, तुम गाड़ दो। बाजे में जान फूंक बैंड मास्टर, डर नहीं वरना पूरे गांव में हवा फैल जाएगी कि राम राम निर्दयी है। आज इस लूट के साथ राम राम का नाम भी अबीराओं के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सरदार, लॉरी के ऊपर कुछ नहीं मिला। इन्होंने लूट का माल कहीं और छिपा दिया होगा। ये लूट का सारा माल कहाँ छुपाया, जल्दी से बता मुझे। श्री रामनवर और उच्चा के क्षिप्रित जानिपा। चिता तो छोड़, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। ये राम राम की प्रतिज्ञा है। बहुत कम समय बचा है अबीरा, अगले सरदार की घोषणा। उग्रा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगले सरदार की घोषणा जितनी जल्दी कर दें उतना ही बेहतर है। सिंहासन पर बैठने की औकात तुम में से किसी में नहीं। जब तक लूट का माल नहीं मिल जाता, सिंहासन खाली रहने दो। सिंहासन पर लगे कलंक को जो भी मिटाएगा वो बनेगा अगला सरदार। फैसला सुनने आए थे, कर दिया, अब निकलो। लूट की सनक ने आपको अंधा बना दिया है। अबीराओं का अगला सरदार हूं मैं हूं आपका इकलौता बेटा, सिंहासन पर मेरा हक है। तुकाराम भी मेरी संतान है, ये मत भूलो जयराम। तुमने इस नौकरानी को बिस्तर पर बैठा दिया, क्या ये कम था जो आज हम इस हरामी को सिंहासन पर बैठा दें? किया मैंने,
उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। सरदार अब नहीं रहे, मैं राम राम की धर्म संतान जय राम सिंहासन पर बैठने वाला अगला सरदार हूं। मगर जब तक मुझे लूट का माल मिल नहीं जाता, लुटेरों के खानदान को खत्म नहीं कर देता, मैं सिंहासन पर बैठने वाला नहीं। यह जयराम की प्रतिज्ञा है। और तब तक सरदार राम राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिरानवर और अच्छा केक शिवरत चार जयराम ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अमरावती में ना तो लूट का माल मिला और ना ही नाटक मंडली के बचे हुए लोग। इसी कोशिश में 15 साल गुजर गए। आज भी अमरावती में लॉरी के उस पार कोई नहीं जा सकता और यही जय राम की लक्ष्मण रेखा है। अमरावती को नमस्कार। करीब 15 साल पहले अमरावती में सरकारी खजाना लूटा गया था। आज भी माना जाता है कि वो अमरावती में ही कहीं छुपाया गया है। आखिरकार सरकार ने ये काम इस साल उत्खनन विभाग को दिया है। अभीरा जयराम की जान से मारने की धमकियों के बावजूद भी विश्वविख्यात ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र ने जोर शोर से खोज कार्य शुरू कर दिया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो आप अब देखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। वीर बहादुर हरिश्चंद्र के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की आशा करते हुए ये विशेष कार्यक्रम हम शुभकामनाओं के साथ यहीं खत्म करते हैं। शादी पार्टी मैयत मुंडन किसी भी शुभ अवसर की क्या है। अरे मैं तो सही टाइम पे पहुंच गया था माँ। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर अभी तक आए नहीं।
हाँ माँ बोलो। तुम कौन हो? एक मिनट मारो को, पिछले हफ्ते बगल वाली आंटी के बर्तन चोरी हुए थे ना? मैंने ही। इंस्पेक्टर किधर है? हरी हरी कब जन के नाम का जाप किया जा रहे हो? है तुम्हारा हरी? चारों दिशाओं में है, सभी चराचरों में बसे हैं, अणु में भी है, ब्रह्मांड के विस्तार में भी है। सभी चराचरों में भी? अच्छा, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक? इस धरती में? हाँ उसमें भी। आकाश में? हाँ उसमें भी। अग्नि में? हाँ उसमें भी। जल में? हाँ उसमें भी। कहाँ है हरे? जहाँ कहीं भी आप खोजना चाहें। जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ, जहाँ भी मैं खोजना चाहूँ। इस स्तंभ में है क्या? हाँ इसमें भी। इस स्तंभ में? हाँ उसमें भी। इसके भीतर? इसके भीतर भी। इधर भी? हाँ इधर भी। इधर भी है? से प्रेम था। गाय पालते पालते उसने काउ बॉयज को देखा। उससे मिलने वो अमेरिका भी गया, पर वहां जाकर उसने देखा कि उनका काउ से लेना देना ही नहीं। बहुत इमोशनल हो गया। तब जन्म हुआ काउ बॉय कृष्णा का। फिर उसने अमरावती में काउ बॉय संस्कृति की सुरक्षा करने की ठानी। अंदर किसने आने दिया तुमको? मेरा इंतजार था क्या?
सिगार खत्म होने का इंतजार कर रहा था दूसरा जलाने के लिए। बोर्ड नहीं दिखा क्या? पुलिस की एंट्री नहीं। जानकर अच्छा लगा कि सबका ध्यान मुझ पर है। तो फिर ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के मुख्य भूमिका में है जॉनी। वो दिवाली की रात थी। जॉनी अपने बाइक में आया मुझे मारने। मुझे देखते ही गन निकाल निशाना लगाया। बस जॉनी की कहानी खत्म। जॉनी जॉनी नो बाबा। बाप का घर समझा है। आखिरी ग्लास उड़ा, 5 बियर मिलेगी। और ज्यादा पीनी हो तो इसको उड़ा। उड़ाया तो लाइफ टाइम बियर फ्री, आज तक कोई नहीं उड़ा पाया, तो भी ट्राई कर ले। मजा आ गया। इनको यहाँ क्यों लाया? जयराम के आदमी। इंस्पेक्टर को मेरी तरफ से एक बियर। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के आदमी है। जयराम के टट्टू साले, नई फसल लग रही है। मैंने तो इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। अकेले ही पी जाओगे? शुरू करने के लिए काफी है। पत्ते खेलता है क्या? जॉनी की कहानी मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन उसको मारा किसने ये तो पता नहीं। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ किसको पता। किस्से कहानी में है वो, हवा की रवानी में है वो, बातें हैं उड़ी और जुड़ी, सच मिथ्या या भरम, दिशाएं उसको ढूंढती, बंदूक उसकी गूंजती, है वो ही बादशाह जमी आसमां, बस उसकी ही बातें करें। आबो हवा में शोर है, वो ही तो हर ओर है, हाथ में जो हथियार है, पहचाना सही रुस्ता की नहीं, मैं तो हूँ ही का उम्र न दुनिया भूलेगी।
सच और सपने के बीच का फर्क ही भूल जाओगे। जीवन का जश्न अब मेरे संग यूं ही मनाओगे। अच्छों के साथ है मेरी हर दम ही शाबाशियां। बुरों की आंख में पढ़ लेता हूँ बदमाशियां। तुमसे ही शुरू है नई एक दास्तां, तुमसे ही सपने जुड़े और आस्तां। सच के साथ जो बड़ी चलेंगे बाकी सपना संग रहेंगे। ताऊ उम्र न दुनिया भूलेगी। किससे कहानी में है वो, हवा की रवानी में है वो, बातें हैं उड़ी और जुड़ी, सच मिथ्या या भरम। दिशाएं उसको ढूंढती, बंदूक उसकी गूंजती, है वो ही बादशाह ज़मीं आसमां, बस उसकी ही बातें करे। आबो हवा में शोर है, उससे ना कोई और है, हाथ में जो हथियार है कुछ तो भला सा नाम है। हैंड्स अप, पहचाना सही, हैंड्स अप, गुस्ताखी नहीं, हैंड्स अप, मैं तो हूँ वही। ताऊ उम्र न दुनिया भूलेगी। मैं कंप्लेंट फाइल करने पुलिस स्टेशन गई थी, तुम वहां ताला लगा के यहां दारू पी रहे हो। कुमारी लक्ष्मी जी, बाहर में ही तो पीते हैं, स्टेशन में पीऊंगा तो गलत नहीं होगा। मैडम, जेंटलमैन, लेडीज की रिस्पेक्ट करो। आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट ना, आई मीन कंप्लेंट ना, लिखो। हाँ बोलिए मैडम। तुम्हें पता था कि जयराम से ट्रेजर हंटर की जान को खतरा है, उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, इतनी अकल नहीं है तुम्हें? खतरा काहे का खतरा कुमारी लक्ष्मी जी, खतरे को तो साहब ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है, देख लो। ये कौन है? जयराम के आदमी ट्रेजर हंटर को किडनैप करने वाले थे, इतने में साहब आ गए, बोले यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम आप अपना कंप्लेन वापस ले लो। ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो गया है। खेलोगे एक बार? बाजी और हो जाए। आप कंफ्यूज हो रही हैं। ये ट्रेजर हंटर को किडनैप करने के लिए फॉलो कर रहे थे और मैंने नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉलो नहीं, उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। हम तो यहाँ के मशहूर नेता तुकाराम जी के आदमी हैं, पुलिस पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं, इसीलिए उन्होंने हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा था। बॉयस बॉयस वन मिनट। तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम उस ट्रेजर हंटर को फॉलो कर रहे थे ताकि उसको सिक्योरिटी दे सको। और आपका कहना यह है कि ट्रेजर हंटर ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। इसका मतलब शो। तुम लोग मेरे कस्टडी में थे और वहां ट्रेजर हंटर का किडनैप हुआ, मतलब तुम लोग किडनैपर्स नहीं हो। कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू कुमारी लक्ष्मी जी, आपने इन मासूमों को चक्की पीसने से बचा लिया। मरने वाला है तो भाई ऑन द वे हथकड़ी पुलिस स्टेशन में देना मत भूलना। हाँ सचिन, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तुम्हारी तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ। कल तुम्हारी हरकतों का काला चिट्ठा न्यूज़पेपर में छपा दूंगी, पढ़ लेना। एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देना सेक्शन 300 एंड इट्स अ सीरियस ऑफेंस, आप सब इसके गवाह हैं। आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एक्शन तुम्हारा डिपार्टमेंट लेगा, तुम पर। कल का पेपर पढ़ना मत भूलना। कौन सा पेपर? हाय अमरावती ना? हाँ ओके, आई विल मेक अ नोट ऑफ दैट। एनीवेज नाइस मीटिंग यू गाइस, पार्टी में मजा आया रियली। प
पार्टी का बिल कौन देगा? ये तो हमारा हुआ, और तेरा? जेंटलमैन, कल अगर कोई तुम्हारा इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उसके मिलने के बाद। किससे? नाम है श्रीमन नारायण। ओ पार्टी में मजा आया? मेरी भी एक पार्टी है, शांति प्रिय नाम की, लेकिन जब तक बंदूक में गोली है शांति कहां से आएगी? शांति प्रियो, सर तुकराम सर, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? रामचंद्र जी, डर के मारे इंसान का गला सूखना स्वाभाविक है। क्या करें बाबू, गला तो सबका सूखा पड़ा है। नो वॉटर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी है ही नहीं, इट इज देयर। हमारे गांव में तालाब है, बस पानी कोई पी नहीं सकता। बताओ क्यों? सर कैप लगा है ना, कैप। स्मार्ट। ये कैप है जयराम की लक्ष्मण रेखा, इसके पार तालाब तक कोई कैसे जाए? आप भी ना मजाक करते हैं तुकाराम जी, दीजिए। पहले जयराम से रिक्वेस्ट करते हैं। जयराम सर, ये लक्ष्मण रेखा जो है इसको अगर आप ढीला कर दें तो हम गांव वाले इस तालाब का पानी आराम से पी। सर नहीं पी सकते क्या? जयराम सेज नो। एक मिनट। ओ जयराम बोल रहा है उस पार तो लूट का माल छिपा है, जब तक मैं उसको खोज नहीं लेता किसी को उस पार नहीं जाने दूंगा। फिर तो मुश्किल है। सोचो लूट ही नहीं रही तो जयराम भी नहीं रहेगा और उसकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा भी। ऑन द सेम लाइंस, लूट का माल ढूंढने के लिए मैंने ट्रेजर हंटर को बुलाया, उसे चार लोगों की सिक्योरिटी भी दी, लेकिन तूने सर गलती से कंफ्यूजन हो गया। एक कंफ्यूजन तो मुझे भी है। बार के अंदर चार लोग जो टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना, उनका धंधा क्या है मालूम है? सीक्रेट सुपारी लेते हैं। सुपारी कौन देता है किसी को पता ही नहीं चलता। एक पर्ची में सुपारी लिख के 100 रुपए के साथ डिब्बे में डाल दिया, वो पर्ची काउबॉय कृष्णा तक पहुंच जाती, और फिर उसके बाद कुछ तो मिस हो रहा है। 1 रुपया सर, 100 नहीं, 101 रुपया। उस 1 रुपए को अगर काउबॉय कृष्णा ने गैया माता गुल्लक में डाल दिया, मतलब सुपारी ले ली, फिर वो 100 रुपए और पर्ची जाती है उन्हीं चार टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे हुए लोगों के पास। काम जो भी हो समझ लो, हो गया। वेरी गुड। I am the old customer. रामचंद्र जी, चलो लिखते हैं। क्या? सुपारी। सर कैप आप ही का लगा लीजिए। हाँ, ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र का जयराम ने अपहरण किया,
कारण है मैं और मेरी अखंड मूर्खता। अगले चार दिन में अगर हरिश्चंद्र को जयराम के किले से मैंने जिंदा नहीं छुड़ाया तो आप मुझको निर्दयता से टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देने की सुपारी सौंप रहा हूँ। आपका विश्वसनीय हल्का सा कॉमा लगा दो और उसके नीचे इंस्पेक्टर श्रीमान नारायण साइन कर दो। सर 101 रुपए। डोंट वरी, एनवेलप में पहले ही डाल दिया है। रामचंद्र जी सुपारी को डब्बे में डाल दीजिए। याद रखो यू हैव ओनली 4 days। अब चलें। बाय द वे आज तक अबीराओं के किले में कोई पुलिस वाला कदम भी नहीं रख पाया। गुड लक, टेक केयर। एक बार पर्ची तो पढ़ लेते तुकाराम जी। प्रिंट ऑलमोस्ट रेडी है, डिलीवरी की तैयारी करो। आज की ताजा खबर, हाय अमरावती की संपादक सुधाकर ने लक्ष्मी जी के निवेदन पर फ्रंट पेज पर मेरी तारीफों के फूल बांधे होंगे। न्यूज़पेपर प्रिंट तो होगा पर किसी तक पहुंचेगा नहीं क्योंकि वैन तो गायब है। अरे थोड़ा धीरे से बात करो साहब। तेरी माँ फोन माँ का। अरे छोड़िए, अभी थोड़ी देर में कुमारी लक्ष्मी जी सुधाकर को लूना पे बिठा कर पुलिस स्टेशन आई रही होंगी। हाय अमरावती, आइए आइए। क्यों भाई, पता चला साहब के बारे में कोई न्यूज आने वाली थी लेकिन न्यूज़पेपर तो आया ही नहीं। वो वैन कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। आज का सारा न्यूज़पेपर इनके वैन के साथ चोरी हो गया। सुबह से स्टेशन का फोन ट्राई कर करके थक गई, बस बिजी ही आ रहा है। और हाईलाइट ये है कि सब उसी थाली में खा रहे हैं। एक मिनट माँ, सब इधर ही देख रहे हैं, बाद में बात करता हूँ। साहब हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। अरे आप तो कंप्लेंट लेने को बोल दोगे और हम लिख भी देंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। साइड प्लीज। फिर आप बार बार यहाँ आके हमें तंग करेंगे कि हमारी बैंड ढूंढ दो, मगर ढूंढने का जोश तो आएगा ही नहीं। बोलो क्यों, रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन नहीं किया ना इन्होंने। अब देखो बोलो। हमारी बगल वाली आंटी वो फोन हमारे लिए टी कॉफी बेचती रहती है। आजा बेटा आजा, बोल के थक गया। ठीक मस्त रिलेशनशिप मेंटेन किया उन्होंने। भैंस को नहला रही है। परसों आंटी के घर में चोरी हुई, 15 मिनट में चोर को पकड़ लिया। चोर से ही पूछ लो। सर 15 मिनट का, मैं तो 10 मिनट में ही आ गया था। आप ही देर से पहुंचे, चाहिए तो मैडम से पूछ लो, उस दिन ये भी तो यही थी। सुनो कंप्लेंट लिखोगे या नहीं? कंप्लेंट तो आप लिखेंगे लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ ठप्पा मारेंगे। हेलो, हाँ माँ वो फोन कट हो गया। माँ नहीं तो कौन, वैन मिली है सीमेंट कलर है, CEZ306। मेरी है, मेरी ग्रे कलर। आपने कंप्लेंट लिखना शुरू भी नहीं किया और हमने आपकी वैन ढूंढी। वाले तो सिर्फ नाम। वेरी गुड कोबार। क्या बोलूं, काम तो मुझे ही करना पड़ता है यहाँ। ये सारा प्लान इसी का है, इसकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है सुधाकर। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता लक्ष्मी, बिल्कुल भी नहीं। ओए सुधाकर। साहब आया साहब। हाँ। लक्ष्मी 2 मिनट। सर चक्कर चल रहा है? क्या सर? नहीं। अच्छी बात, तेरे लायक नहीं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन प्रॉब्लम भी कुछ नहीं। हाँ। है सर। हाँ क्या चलो ना, तारीफ जम के किया क्या? की तो है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। गलत है ना सुधाकर? वो क्या है कि आइए, वो क्या है ना, आप उस लक्ष्मी के चक्कर में इस सरस्वती को धोखा दे रहे हो। ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप का क्या होगा? खराब होगा। तो फिर आ, 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 आ,
कल क्या लिखने वाले? आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं साहब। फिर से वही गलती सुधाकर, लिखना पड़ेगा। तुम्हारे कंप्लेंट से पहले ही हमने बैंड ढूंढ लिया। टॉपिक तो बढ़िया है। वो तो है, टॉपिक अच्छा है साहब। अच्छा तो ना गला खराब है क्या? हैं? नहीं तो जाइए, केस सॉल्व हो गया, रिपोर्ट फाइल कीजिए। थैंक यू साहब। इट्स ओके। पेन लेके आ बे। कौन कौन से कॉलम है तुम्हारे पेपर? हमारे पेपर में स्पोर्ट्स है? है ना साहब, खो खो खेलता हूँ मैं। लिखो, खो खो के खेल में 4 विकेट चटकाया नारायणा ने, मजा आएगा। अच्युतना? हाँ साहब। ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र। साहब ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ साहब, डेली चेकिंग के बिना नाके से बाहर जाने वाली एक ही गाड़ी है ये। सुधाकर जयराम के साथ मिलकर ट्रेजर हंटर को गांव से निकालने की कोशिश कर। साहब मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। तेरी तो अच्छा ना, एक काम कीजिए, अपनी लक्ष्मी जी का स्टूडियो है ना, 1 घंटे के लिए बुक कीजिए। तब तक मैं जयराम के किले में घुस के ट्रेजर हंटर को चुरा के लाता हूँ। ट्रेजर हंटर तो यही है साहब। हाँ यहाँ कहाँ कहाँ है अच्छा ना कहाँ? ओ समझ गया साहब। हटिए सही हटिए लक्ष्मी जी प्लीज, मैं जयराम के किले पे अटैक करने जा रहा हूँ। अमरावती का जाबाज इंस्पेक्टर नारायण जयराम के किले में घुसकर ट्रेजर हंटर हरिश्चंद्र को छुड़ाने वाला हमारा मसीहा। रामचंद्र जी, यह खबर हमको पहले क्यों नहीं मिली? हाँ? तो काराम वांट्स टू नो। इस तरफ जयराम के 10 गुंडे और इस तरफ मैं अकेला। और मैं आपसे तो मैंने प्रॉमिस लिया था ना अक्षना कि आपकी उम्र हो गई है, आप फाइट नहीं करेंगे। सो यस 10 गुंडे। दसों को ऐसा धोया ऐसा धोया ऐसा धोया, धोते 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 साफ तक के गिर गए। उस तरफ से एसिड की बॉटल पकड़ के गुंडा चला आ रहा है, लेकिन साहब को होश ही नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूं, साहब जी प्रॉमिस वापस ले लो, प्रॉमिस वापस ले लो साहब। एसिड बॉटल पास आते जा रही है, साहब कुछ बोल नहीं रहे। साहब जी प्लीज प्रॉमिस वापस ले लो, प्रॉमिस वापस ले लो। चुतना और कितना खींचेंगे? साहब ने हाँ बोल दिया। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अच्युत कुमार की एंट्री। गुंडे के हाथ से एसिड बॉटल छीन के गटागट पी के मुंह पे थू जल गया उसका मुंह। और एसिड पीने से गला नहीं जला चुतना? जला ना साहब, थोड़ा सा गला तो जला। वॉइस चेंज हुई आपको पता नहीं चला? हाँ थोड़ा सा वॉइस चेंज लग रहा है नारायणा। हेलो सरदार बुला रहे हैं, तो जाना। साहब प्रॉमिस कीजिए कि आज आप फाइट नहीं करेंगे, इनको मैं हैंडल करता हूँ। ना चुतरना, ये एसिड पीने जैसे इजी नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अच्युतना पराठे का ऑर्डर दे रहा हूँ। साहब के लिए पराठा लेकर आओ तड़का मार के। पराठे में तड़का कौन लगाता बहन के टके? ओए तू कौन है? बोल के मारू या मार के बोल? पराठा तड़का मार के। प्रॉमिस वापस ले लो साहब। अभी ले लो। आ, 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 आ,
लो। इफ यू डोंट माइंड। इसके लिए झुकने की क्या जरूरत है सोना? सरदार को पता चला तो कौन है वे तेरा सरदार? जयराम। चेक मेट। सरदार ने बोला था इंस्पेक्टर को पकड़ के लाओ, लेके आ गए। देख के तो लग रहा ये तुमको पकड़ के लाया है। Yeah.
रख देना ठीक है। अमरावती की हिस्ट्री में अभिराम के किले में आने वाले हम पहले पुलिस ऑफिसर थे। यहाँ से बच के निकलने वाले पहले पुलिस ऑफिसर भी हम ही हो, वो हिस्ट्री ज्यादा अच्छी नहीं होगी सर। अभिरा मुझे माफ कर दो। अभिरा भद्रा, राह भटकने वाले को तो माफ कर दें, गलत राह पर चलने वाले को कैसे? सरदार मेरी रगों में भी तो अभिराओं का खून है, मैं कैसे आप लोगों से गद्दारी करूंगा सरदार? अभिराओं के खून की दुहाई दे रहा है तो फिर तो देखना पड़ेगा। क्या हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि तुकाराम का खबरी था। अगली बार मेरा नाम लेने से पहले आवाज पर लगाम रखना विपासो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे बाप का वफादार था। तो उग्रा, उस कुत्ते को स्तंभ पे लटका दो। ये जो बैंड मास्टर है ना अच्छा, कब से देख रहा हूँ, इसका दिमाग कुछ खराब है क्या? इसका दिमाग तो 15 साल पहले ही खराब हो गया था, तब से ये पुतला बन के रह गया। ओह, फिर भी किसी चीज पे तो रिएक्ट करता होगा। किसी पे नहीं। सात पहाड़ों के राजा, अभिराम के सरदार, राम राम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बैंड मास्टर, आज भी हमारा दरबार आपके बाजे के बिना नहीं सजता। पंद्रह साल से आप बाजा बजाते आ रहे हैं और ये लोग वैसे ही मेरे पिता का जय जयकार किए जा रहे हैं। राम राम। कोई बताएगा सरदार राम राम को इस दरबार से मुक्ति आखिर कब मिलेगी? सुनिए सर, लूट का माल कहां है? किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका मतलब तुम सबको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। वो हरामी तुकाराम हमारे किले तक पहुंचने की जरूरत कर रहा है और बैंड मास्टर जी, इस तरह से नहीं, और जोर से मारना होगा। वो क्या है कि कोई बाजा छीने तो कैसे डिफेंड करना है, बस यही सिखा रहा था। अच्छा सर ना, बिहेव। सर वहां आके पूरी रेस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाने वाला था, मगर क्या करें, हाथ बंधे हुए। हमें यहां क्यों बुलाया? अच्छा, आप ट्रेजर हंटर को किडनैप करके गांव से बाहर ले जा रहे थे और हमने उन्हें बचाने की हिम्मत की और ये न्यूज़पेपर वालों ने इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के छाप दिया। सर मैं जानता हूं कि आपको इससे बहुत दुख पहुंचा, पर आज मैं यहां खड़े होकर सच बोलता हूं सर, ये प्लान मेरा था ही नहीं, ये सब किया जा रहा है हमारे कांस्टेबल अच्छे होना। अच्छा सर ना प्लीज, वर्दी क्या पहन ली, जोश में आ गए, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनफैक्ट ये तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर,
क्या चलो ना इन महाशय का कहना है ये हमारे चंगुल से ऑफिसर को छुड़ा ले गए तो फिर आपके हिसाब से मैं उस ऑफिसर को गांव से बाहर निकाल रहा था क्यों अच्छा ना ये आपसे ही पूछ रहे हैं ये उस ऑफिसर को गांव से बाहर क्यों निकालेंगे मुझे इस गांव में किसका डर एग्जैक्टली इन्हें यहां पे किसका डर उग्रा एक और बार इस इंस्पेक्टर ने मेरे सामने होशियारी की तो इस दरबार की हर बंदूक की गोली इसके छाती में जड़ देना और तू दो बातें गौर से सुन पहली अगर वो ऑफिसर मेरे कब्जे में होता तो उसे छुड़ाने की ताकत तुझ में नहीं थी दूसरी अगर तूने उसे मेरे कब्जे से निकाल भी लिया होता तो अब तक इस किले के बाहर तेरी लाश लटक रही होती मतलब ट्रेजर हंटर को आपने किडनैप नहीं किया किले के बाहर तेरी लाश लटक रही है क्या साहब सच तो यह है कि हमने ट्रेजर हंटर को बचाने के लिए कोई बहादुरी नहीं की वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गई बटेर हाथ लगी तो हम भी थोड़ा न्यूज़पेपर में नाम कमाने हाँ साहब नाम तो कमाया इन्होंने उग्रा ये दोनों हमारे किसी भी काम के नहीं सर सर एक मिनट काम के हैं सर आपको वो किडनैपर चाहिए ना एक दो दिन का टाइम दीजिए ढूंढ देंगे क्यों चलो ना हाँ उस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं जरूरत नहीं सर वो ट्रेजर हंटर को आपके हवाले कर दूंगा सर उग्रा वापस उग्रा सर 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 सर, सर, सर। आप थोड़ा टाइम देंगे तो खोया हुआ लूट का माल ढूंढ देंगे सर ही सीम्स टू बी इंटरेस्टेड सर मेरे अरमानों को मेरी कमजोरी मत समझना आप तो 15 साल से ढूंढ रहे सर लेकिन लूट ढूंढने की टेक्निक ट्रेजर हंटर के पास उसको अपना काम करने दो सर आपसे खतरा है ये कहकर मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा लूट का माल मिलते ही आपके हवाले कर दूंगा सर मौत के डर से जुबान दे रहा है तू जुबान से फिरा तो सजा उस मौत से भी पत्थर होगी जिससे आज बच रहा है ठीक है सर ने बोल लिया आज तो बच गया रिलैक्स डाउन डाउन ए तू भी इस पे नजर रखना सरदार वो बैंडमास्टर जो है मुझे लगा एक्टिंग कर रहा है बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड वो जेन्युइनली पागल है व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड साहब कंसर्न बेचारा 15 सालों से इनके लिए बाजा बजाया जा रहा है ये लोग इसका इलाज तो करवा ही सकते हैं ना क्या इलाज करेंगे इसका क्यों नहीं हो सकता है तो ना पापा के साथ भी एक बार ऐसे हुआ था सर पे डंडा लगा और मेमोरी चली गई तो वापस मैंने एग्जैक्टली उसी जगह पे मारा मेमोरी जड़ से वापस एग्जैक्ट स्पॉट आपको कैसे पता था पहली बार भी तो डंडा मैंने ही मारा था इस वॉलेट में तो 5 नोट थे ना हम भी तो 5 लोग हैं साहब इस बैंडमास्टर का दिमाग जो है वो डंडा पड़ने से तो खराब हुआ नहीं शौक से हुआ है शौक से ना दे देना चाहिए था इसकी भी अलग अलग टेक्निक होती है ना शारीरिक मानसिक वो देख रहे हैं वो शारीरिक है जयराम को जुबान दिया आपने धोखा दिया तो आपको भी देखिए ये मानसिक है क्या साहब पुलिस वाले होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये जुमे तक भी निकाल पाएगा अरे जुम्मा छोड़िए 2 दिन में बहुत अच्छा ना चलिए कहाँ चलना है मौका है वारदात पे रायता तो आज से 15 साल पहले ही फैल गया था फैलाया इन 6 नाटक मंडली वालों ने तालियां लूटने आए थे पर लूट ली ट्रेन लूट तो डकार गए पर अभिराओं का डर था माहौल ठंडा होने पर माल आसानी से पार कर देंगे ये सोचकर उसे अमरावती में ही कहीं छुपा दिया एक्सक्यूज मी लेकिन भागते टाइम कहानी में ट्विस्ट यहां होती है पहले खिलाड़ी की एंट्री सरप्राइज राम राम ने बहुत ट्राई मारा लेकिन लूट का माल ढूंढते ढूंढते उसी का राम नाम सत्य हो गया बट विद कंडीशंस अप्लाइड
इस कंडीशन की वजह से हुई दो नए खिलाड़ियों की एंट्री, जयराम एंड तुकाराम। जयराम के पास ताकत है, अभिराव का सपोर्ट है, पूरा गांव डरता है उससे। लूट के लिए वो कुछ भी करेगा, बट ही सिंपल सी, कुछ करने से पहले सोचता नहीं और अपने साथियों पे भरोसा भी नहीं। ये काम आएगा। और ये है तुकाराम, अभिराव ने इसका बहुत बुरा काटा, उन्हें खत्म करके इसे अमरावती पे राज करना है, अपनी पार्टी बनाकर ये यहां पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता है। ही बिलीव्स पॉलिटिक्स इज एन एक्सटेकॉइड। पर इन दोनों को छोड़ के ट्रेजर हंटर को किसी और ने ही किडनैप कर लिया है, मतलब इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। कौन हो सकता है? दिन दहाड़े गांव वालों के सामने ट्रेजर हंटर को किडनैप कर लिया, और जयराम को तुकाराम को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों खिलाड़ियों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि तीसरा खिलाड़ी भी है, मतलब ही स्मार्ट, ही इज करेजियस। जरा सोचिए अच्युतना, ट्रेजर हंटर को किडनैप करके किसी का फायदा नहीं हुआ सिवाय एक आदमी की, अच्युतना। कल अगर कोई अमरावती का इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उससे मिलने से पहले, एक उससे मिलने के बाद। उसके मतलब किसके? नाम है श्रीमान नारायण। Oh, I love that expression. साहब, 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 पर आपने ट्रेजर हंटर को किडनैप कैसे किया? कौवे कृष्णा के बार में चार लोग टोपी लगाए डिम लाइट में बैठे रहते हैं ना। हाँ, तो I am the role customer. साहब, खेल तो आपने बढ़िया खेला है, पर लूट का माल कहाँ खोजेंगे? खोजने के लिए खोदना तो पड़ेगा ना, चुतना। लेकिन कहाँ खोदेंगे साहब? ये बताइए, नाटक मंडली को गाढ़ा कहाँ था? यही तो, यहीं से शुरू करते हैं। साहब, इतना खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मतलब पूरी बॉडी मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल भी गई तो एटलीस्ट हड्डी तो मिलनी चाहिए, लगता है कोई पहले ही बॉडी निकाल के ले गया। तो अब क्या करें साहब? एक काम कीजिए, 6 डेड बॉडीज अरेंज करिए। वो किस लिए? उनकी आत्मा को शांति देनी। आज का दिन अमरावती के पुलिस वालों ने वो 6 लुटेरे कलाकार जिन्होंने लूट के लिए प्राण त्याग दिए, उनके अस्थि पंजर को ढूंढकर उनकी आत्मा को शांति देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, दैट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ माय बिग प्लान। आज से आपके गांव की समस्या मेरी समस्या, मैं यहां पर आया हूं तो सिर्फ आपके लिए। जिले से जितने भी न्यूज़पेपर निकलते हैं, मैंने सब में खबर छपवा दी, फिर भी इतने ही लोग आए। कितने लोग आए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। तुकाराम जी की, तुकाराम जी की, तुकाराम जी की। अरे इंस्पेक्टर नारायण, सुना है आत्मा को शांति देने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ शांति होगी वहाँ शांति प्रिय तो आएगा ही। टेक योर सीट। खुद भगवान अवतार लेकर आपको बचाने के लिए आएगा। रास्ते में वो रामचंद्र जी बता रहे थे कि ट्रेजर हंटर का किडनैप तो जयराम ने किया ही नहीं था। मैंने डाटा, पेपर नहीं पढ़ते क्या? जयराम के किले में घुसकर ही तो नारायण ट्रेजर हंटर को बचा के लाया था। अच्छा ना, वो जिसने मंकी कैप पहनी है वो कौन है? कहीं तो देखा है। जाइए जरा पूछ के आइए कहाँ देखा है। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? यही कि लोग कैसे कैसे रूमर्स फैलाते हैं। ये रूमर्स भी ना, अब देखिए कल की ही बात है, जयराम के किले में भी रूमर थे कि वहां की खबर आप तक कोई पहुंचा रहा है। मां कसम सर जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। पर जयराम भी संकी है, खचूमर बना दिया बेचारे का। सुहागरात के बाद भी घूंघट की आड़ में रहे तो जोड़ी कैसे बनेगी भाई? सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग, आइए आइए। मेरा तो एक ही मकसद है, लूट जयराम के हाथ ना लगे और बिना सरदार के अभीर परंपरा खत्म हो जाए।
अमरावती में उसकी जगह आपकी पॉलिटिकल पार्टी ले ले। बढ़िया प्लान है। आई नो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि कोई तो है जिसने जयराम को लूट का माल ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस कर दिया है। ये तो बढ़िया प्लान नहीं है ना? और अब या तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़े या अपनी शांति भूलकर उसकी टांगे तोड़ दूं। तुकाराम सर, किले में खबरी के पकड़े जाने के बाद भी आपको वहां से खबरें मिल रही है, मतलब या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आपका कोई आदमी अब भी है वहां पे। बाय द वे, इंफॉर्मेशन के लिए आपको थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू। लक्ष्मी जी, मेरे और तुकाराम सर की जोड़ी में एक फोटो। स्माइल प्लीज। सुधाकर साहब, हाँ छाप दूंगा। ओके। साहब, वो लॉरी के पास चार लड़के कौन है? पहले कभी उनको यहाँ देखा नहीं, पता नहीं कौन है। पता कीजिए। मैं आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। पलक झपकते ही सारी बाधाओं को पार कर लिया। हमने ध्यान से सुना और विश्वास भी किया। भगवान स्वयं अवतरित होकर हमें बचाने आए हैं। इस बार हमारा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। हमारे रक्षक श्री हरि यही है। श्री हरि, श्री हरि, आखिर तू आ ही गया। लेकिन हमने तो अस्थि पंजर पहले ही निकाल लिया था, फिर आज इसने नाटक क्यों किया? अरे, अगर आज वो सब नाटक नहीं करता तो हम लोग वहां जाते क्या? वो हमारा रक्षक है और ये दिव्य संदेश है, इसे आशीर्वाद समझो, हमारा भला होगा। श्री हरि, तुम्हारी जय हो। बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे आया है। कल पूर्णमासी है और इसी के साथ गरुड़ का संदेश भी आ जाए तो भविष्यवाणी सच ही समझो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, तो ही नहीं अपार लगाएगा। साहब, ये इसका पीछा क्यों कर रहा है? श्रीहरि ऐसे ही हमसे दूर भागता रहा तो आज भविष्यवाणी कैसे सच होगी? श्रीहरि अगर अपने आप नहीं आया तो हम उसे वहां खुद लेके जाएंगे। वो कैसे? अशु, ओह नो, इंटरेस्टिंग। चांद चमकता संदेश ये चांदनी महल पटा
मूवी नाटक मंडली अभी भी इसी गांव में आ चुका है। हाँ साहब, तब से ये लोग हमारे गांव में हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, फिर भी पता नहीं चला। मैं भी अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ अच्छी तरह। आई थिंक वी शुड ज्वाइन। साथियों ये रंग सा क्या है जमाया, रंग नहीं किस्मत ने दिन दिखलाया, टीका सा बेरंग ये जीवन, कह दो जरा सुलझाओ उलझन, गलती किसी की भुगत रहे, इंसाफ नहीं ये दूर करूं गम, बात है ये खरी, श्राप से हो परी, कृपा करो श्री हरि। बरसों पहले श्री हरि नाटक मंडली में ऐसे कलाकार थे, एक से एक कलाधर, गहरी नींद से भी जगा कर पूछो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो, ऐसे थे दुरंधर। विष्णु पुराण वो गए खेलने अमरावती, अधूरा छोड़े कैसे जाए, खेल से पहले गिरा जो पर्दा, जा गया हम पे मौत का साया, दुष्ट अभिराओं के डर से छिपते गिरते हम सब सारे। सब रंग मंच से रंग नव रंग मुखोड़े, श्री हरि तुमसे ही आस और तुम पे ही विश्वास है। अच्युतना, कुछ समझ में आया? ये लोग आखिरी नाटक के बिना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो? सुबह हो गई, उठो। पूर्णमासी पर गरुड़ ने संदेश दे दिया। कितना इम्तिहान लोगे प्रभु? इतने बरस आपकी प्रतीक्षा में बिताए, अब और नहीं सहा जाता स्वामी। सोने दो, नाच सोना।
तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वो ट्रेजर कहाँ है? सुरक्षित हैं, उनको वापस छोड़ा है श्रीहरि। गलत फहमी में हमने उसको श्रीहरि समझ लिया था। पहले पता होता कि हमारे श्रीहरि तुम हो तो तुम्हें ही किडनैप करते। तुमको मना के लाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है तो। वन मिनट, कुछ तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कल था, भविष्यवाणी सच हो गई इसलिए सब क्लियर हो गया। भविष्यवाणी? वही जो कल सच हुई। पूर्णमासी को गरुण का संदेश आएगा। श्री 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 गुप्तानंद महास्वामी ने ये बात 10 साल पहले ही कह दी थी। और का बोला तो था गरुड़, लेकिन अभी तो मेरी भविष्यवाणी का एक ही भाग पूरा हुआ है। दूसरे भाग को श्री हरि गंगा कसम पूरा करेगा। श्री हरि के प्रेम से ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और का मेरी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है तो ना? समझ में तो आ रहा है, लेकिन इस पे यकीन नहीं हो रहा है। आई नो। एक्चुअली स्वामी को क्लियर कट बताया था आज तो ना कि सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। लंडूरे ने सब बता दिया। माफ कर दीजिए साहब। ए इधर। श्रीहरि जल्दी से बस आखिरी नाटक करवा के हमें इस गांव से मुक्ति दे दो प्रभु। सुनो तो, पहले भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा करके श्रीहरि को संपूर्ण तो होने दो। हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अच्छा ये बताओ, मंडली ने जो माल लूटा था उसे कहाँ छुपा कर रखा है, ये तुम्हें पता है क्या? अरे साहब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, हमें तो सरकार से पगार मिल ही जाती है, ये लूट वूट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर क्यूरियोसिटी नाम की एक चीज होती है ना, अच्छी तो ना। हाँ होती है, होती है। और ये सब तो उस टाइम दूध पीते बच्चे होंगे। हीरे क्या बताओ? मेरा मतलब एग्जैक्टली ये लोग नहीं, इनके चाचा मामा भी तो मंडली में होंगे, हो सकता है उनको बताया। बिल्कुल बताया होगा, और इनको भी पता होगा। ना बेचारे बोलने से डर रहे हैं। पर नहीं बताएंगे तो श्री हरि गुस्सा नहीं हो जाएंगे? मुझे तो डर है कहीं आप गुस्सा होके इनको छोड़ कर न चले जाएं। छुपाई हुई लूट तक वापस पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक नक्शा बनाया था, बस यही सब सुनते आए हैं हम लोग बचपन से। क्या आइडिया है साहब? अगर किसी अनजान शहर में जाकर कोई लूट का माल छुपाता है तो उस जगह दोबारा जाने के लिए उसे नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा। वही तो। हा? अच्छा ये बताओ वो नक्शा कहाँ है? वो तो हमको नहीं मालूम। सच में तुम लोगों को नहीं पता? इनको कुछ नहीं पता, और इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, तो फिर बचा कौन? बैड मास्टर, उस नक्शे के बारे में किसी को पता है तो सिर्फ इसको, बट इसका दिमाग खराब है। ठीक करते हैं बस, और कितनी पूछताछ करेंगे। बैठ, बैठा रहा है। अरे साहब अब इनका क्या करना है? इनको कुछ नहीं पता चुका ना, पर नक्शे का तो पता चल गया। ढूंढते हैं पुलिस स्टेशन में। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गया। अच्छा तो ना साहब, इनका ध्यान रखिएगा, मैं जरा शॉक दे के आता। किसको साहब? बैड मास्टर। तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है, आज ही यहाँ से चले जाना रहना। इस गांव में मैंने दो ही चीज कमाई है लक्ष्मी जी, एक दोस्ती, दूसरा प्यार। अगर मुझे यहाँ किसी से खतरा है तो सिर्फ एक से। नारायणा सुनो, तुमने वो शांति समारोह का नाटक क्यों किया था मुझे सब पता है। आई एम नॉट अ फूल, वहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं आई थी। मैं उस नाटक मंडली की एक्टिविटीज को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि वो लोग इसी गाँव में है। आप क्या बोल रही है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सुनो, उनका एक अंधविश्वास है कि कोई श्रीहरि आएगा और उन सब लोगों को बचाएगा, बट फॉर सम रीजन वो तुम्हें श्रीहरि मानने लग गए हैं। इसे अंधविश्वास क्यों बोल रही है लक्ष्मी जी? आई मीन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, नहीं? मे बी, लेकिन उसी पॉसिबिलिटी ने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। नाटक मंडली में अलग सोच के लोग भी हैं जो श्रीहरि के होने पर विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट दे आर डेंजरस। उनका कुछ और ही प्लान था और तुम श्रीहरि बनके उनके प्लान में टांग अड़ा रहे हो। लक्ष्मी जी आपको सच में मेरी इतनी चिंता है, जानकर अच्छा लगा, रियली आई स्वेयर। बट डोंट वरी, इस गन का नाम जानती है? हैंड्स अप। कोई कितना भी डेंजरस हो, हैंड्स अप बोलने पे हैंड्स अप कर ही देता है।
तुमने रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है फिर, यू'ड रादर नो द कंप्लीट ट्रुथ। अभी तक तुमने नाटक मंडली का एक ही चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भनक लगे कि मैं इनको फॉलो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुमको बताना ही पड़ा। सब प्रभु का खेल है लक्ष्मी जी, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। गांव में ऐसी जगह भी है पता ही नहीं था। ये पत्थर आर्किटेक्चर बिल्कुल अभिनव के किले के जैसा। इरादा क्या है, कहीं गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रही है? चुपचाप चलते रहो। अच्छा लक्ष्मी जी, आप अक्सर ऐसे एडवेंचर्स करती रहती हैं, डर नहीं लगता आपको? डर क्यों? नहीं वो जैसे आज तो मैं साथ हूँ, पर बाकी टाइम अकेली लड़की, कभी ऐसे लगता कि कोई साथ होता तो अच्छा होता। पापा वो कुछ नहीं बोलते ऐसे अकेले अकेले घूमने पर? मेरे पापा मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के चले गए थे। किसके साथ? मतलब मेरे पापा मेरे बचपन में एक अंग्रेजन के साथ चले गए थे, इसलिए पूछा। जिसके लिए आए थे वो काम करे। पापा को मिस करते हो? हाँ दो महीने बहुत मिस किया। उसके बाद आदत पड़ गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, उसके बाद तो खुद ही वापस आ गए। फनी फेलो। और आपके पापा? He's dead. I'm sorry. कोई बीमारी या? आप उन्हें बहुत मिस करते होंगे। नहीं। He made my family suffer. वो सिर्फ मरे नहीं, उनके किए की सजा आज भी पूरा परिवार भुगत रहा है। So yes, मैं उनको मिस नहीं करती। अब कोई बीमारी से मर गया तो इसमें उसकी क्या गलती है लक्ष्मी जी? इस तरफ और थोड़ा आगे। शरीर का बीमार होना अलग है नारायणा, और सोच का अलग। मेरे पापा की बीमारी थी उनकी सोच। सोच पर लालच हावी हो जाए तो वो बीमारी बनकर इंसान को बर्बाद करने के साथ उसके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देती है। क्या करते थे आपके पापा? चोरी करने से पहले नाटक में कलाकार थे। आपकी फैमिली? फैमिली मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते नारायणा। आई हैव अ फैमिली मच बिगर देन दैट। एक समय था जब वो लोग पापा के संग गांव गांव जाकर नाटक किया करते थे। मेरे पापा की गलतियों की वजह से वो सब आज भी छिप छिप कर जीने पर मजबूर हैं। कौन है तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, नाटक मंडली में सभी भविष्यवाणी को नहीं मानते, और उन लोगों से तुम्हारी जान को खतरा है। इस गन का नाम तो जानते ही होगे। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या यह मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या यह मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या यह मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9010701 पर।
खड़ी क्यों है लक्ष्मी जी, बैठिए ना। तुम चारों में से किसने मारा था बेटा? तेरी तो लक्ष्मी जी के हाथ में गन थी ना। आ, प्यार से बोलती बैठ जाओ, किडनैप करना है, मना थोड़ी करता। और लक्ष्मी जी सब बढ़िया? आखिर चाहिए क्या तुमको? टी कॉफी कुछ भी? किसी को नहीं पता था कि अब तक हम इसी गांव में हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? हाँ याद आया, एक्चुअली मैं तो बियर पीने जा रहा था लक्ष्मी जी, तभी जंगल से गाने गया वैसे। सोचा मस्त पार्टी चल रही है, बियर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर वहां तो गजब ही हो गया। सब कहने लगे भविष्यवाणी सच हो गई, तुम ही श्रीहरि हो बोले और पांव पकड़ लिए। कौन श्रीहरि? वो लोग उस सड़क छाप स्वामी की फालतू भविष्यवाणी का जाप कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं। ए, तू चुप रह ना। चील अपने आप आके मेरे हाथ पे बैठ गई, देखना चाहिए था लक्ष्मी जी, मिस कर दिया आपने। सुधाकर तो इस रायते में आपका भी हाथ है। गरुड़ का भी। इतने साल से हम सब लोग बचते बचाते आए हैं, लेकिन इस गांव में जब तक रहेंगे खतरा रहेगा ही। इन लोगों को आखिरी नाटक किए बिना गांव छोड़ने के लिए सिर्फ श्रीहरि ही मना सकता है। इसीलिए गरुण को सुधाकर पे बैठाकर भविष्यवाणी को सच करने का प्लान बनाया था। प्लान तो आप लोगों ने बना लिया, गरुड़ को भी बता देते। पूरी ट्रेनिंग दी थी, पर मुझे बेहोश करके ये कवच तुमने पहन लिया और गरुड़ इसके बदले तुम पे बैठ गया। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है नारायण। हे भगवान, आपकी कसम आई एम इनोसेंट, मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी कसम खाली फिर भी भरोसा नहीं है तो एक सेकंड नहीं रहना मुझे। ए, इधर आ, रस्सी खोल। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा लक्ष्मी, क्या करना है इसका? पहले हम अपने लोगों को कैसे मनाएंगे ये सोचो, तब तक इसको यहीं रहने दो। ए, अबे ये क्या कर रहा है? बेहोश कर रहा हूं तुम्हें। इस साले को तो बाद में देख लूंगा, लेकिन उससे पहले बैंड मास्टर, इसका दिमाग ठीक करना है तो पहले जयराम को कन्विंस करना होगा। इम्पॉसिबल, कन्विंस तो नहीं कर सकते बट ध्यान भटका सकते। यू हैव टू प्ले सम ट्रिक्स। मिल गया। आसान नहीं, रिस्की है, पकड़े गए तो आपको भी। हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, पीड़ देना। अभी किससे मांग रहा आया? अभी आया था, ये चिंदी चोर है। घोड़ी तो बड़ी जबरदस्त है, मेरे वापस आने तक घोड़ी का ख्याल रखना। सरदार को पता चला तो ठीक नहीं होगा सोमा। ले गया, यहाँ रख दो, ध्यान रहे। हाँ, टाइम पे वापस नहीं गए तो एक शादी रुक जाएगी। जयराम सर को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सरदार से पूछ के आता हूँ, नजर रखना इस पे। कब तक आएगा वो? आज आएगा। वो दोनों तुम्हारे घोड़े के पास क्या कर रहे हैं? घोड़ी उन्हीं के लिए लेके आया था, गिफ्ट। पिताजी की पुरानी यादें, थोड़ा संभाल के। बोला था ना पुरानी है। बिना फायदे के तू कभी किसी को कुछ देने वाला है? ऐसा नहीं है, बदले में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ना। अभी ये मत पूछना हेल्प क्या है। आज कुछ नहीं मिलेगा, सब याद रखता हूं मैं। आ,
हम भी सब याद रखते हैं अच्छे से। सरदार के दोस्त को लूट रहे हो, जयराम को पता चला ना? हुजूर आला सरदार के दोस्त है। कहानी खत्म नहीं हुई, याद रखो। तलाशी ली इसकी? हाँ पूरी ले ली। जाओ करा, उनको खोज कर किले पर लेके आ। तब तक मैं इन चारों को अपने मेहमान से मिलवाता हूं। जी। नजर रखना इस पे। इंस्पेक्टर नारायण सर, सही समय पर आए हो। ये चारों लोग कौन हैं जानते हो? उस ऑफिसर को किडनैप करने वाले, पर असल में ये चारों तो भांड है। पैसा फेंको तो कहीं भी ना चें। प्यार से पूछताछ कर रहा था कि बताओ तुम्हें नचाने वाला है कौन। ठीक उसी वक्त तुम आ गए। क्यों नारायण, क्या हुआ? चेहरे पे डर, कौन सी चिंता सताने लगी? वो रिकॉर्ड से थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। थोड़ा? मुझे तो ज्यादा लग रहे हो। सर वो म्यूजिक सुन के मुझे पापा की याद आ गई। पुरानी यादें कभी कभी छुपती है ना सर। यहां आने की वजह? बताना ही भूल गया। आपने वो तुकाराम की खबरी को पकड़ के लटका दिया, ये बात तुकाराम को पता लग गई। इसका मतलब आपका कोई आदमी अभी तुकाराम को आपकी सारी खबरें पहुंचा रहा है। जानकर तो मेरे होश उड़ गए, सोचा आपको बता दूं। ठीक है, और कुछ? सर बस इतना ही बताने आए थे नारायणा, या कुछ और भी कहना है? आपके अपने पापा से बनती नहीं थी क्या? नहीं, वो ये फोटो देखकर डाउट हुआ। आपको तो साथ में बिठाना चाहिए था, पीछे दूसरों के साथ खड़ा कर दिया। मतलब आपकी और मेरी कहानी एक ही जैसी। मेरे पापा को भी ये बंदूक से खेलने का बहुत शौक था, हर बार उनका निशाना वहीं बनता था। फनी फेलो। पर बंदूक का क्या भरोसा, गोली तो कभी भी चल सकती है। इरादा अच्छा हो लेकिन अगर किस्मत फूटी है तो क्या कर सकते हैं। बट लकीली इस बार बंदूक मेरे हाथ में थी और निशाना वो। चल बसा बेचारा। तुमको कभी पश्चाताप नहीं हुआ? क्यों सर? अपने पिता की हत्या करने पर? कभी कभी, जैसे भी थे बाप थे ना सर। वैसे अफसोस तो आपको भी होगा ना, स्टोरी तो सेम है। लेकिन आप मुझे बुरा आदमी मत समझिएगा, उन्होंने भी मुझे कम दुख नहीं दिया। जब देखो दरवाजे के पीछे चुपके मुझ पे नजर रखते थे, कोई गलती करूं तो सजा देने के लिए। लेकिन मैं भी स्मार्ट था सर, मैं धीरे से दरवाजे तक जाके चुपके से दबे पाऊं दरवाजा खोलता और जनाब सामने खड़े। तू तो मेरा बाप नहीं सरदार।
इसका भरोसा नहीं था, इसीलिए बाहर निगरानी कर रहा था। निगरानी कर रहा था या हमारी जासूसी कर रहा था? मैं आप लोगों की जासूसी क्यों करूंगा सरदार? इस बात का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा सर। इसकी जेब में पड़ी अंगूठी देगी। मेरी जेब में? किले में अंदर आते समय ये अंगूठी मैंने इसके हाथ में देखी थी, और जहां तक मुझे याद है तुकाराम की उंगली में भी ऐसी ही थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई नरसिंह? सरदार, जयराम सर, इस अंगूठी के नगीने गायब है। नरसिंह जी, और कौन कौन है आपकी टीम में? ये इन सब लोगों की जेब से मिले हैं। लालच का गुलाम सरदार के दोस्त को भी लूटता है। झूठ है सरदार। और हाँ, सरदार के दुश्मन के सामने हाथ भी फैलाता है। यह आपको भड़का रहा है सरदार, इसका भरोसा मत कीजिए। ये हीरे हम लोगों को बारात लूटने पर मिले थे। तुकाराम की अंगूठी के हीरे कौन सी बारात लूटने में मिला था दारा? किले की रोटी कम पड़ी क्या, जो तुकाराम की जूठन चटने गया था? सच कह रहा हूँ, हीरे इंस्पेक्टर के पास थे। जब हमने बाहर तलाशी ली तब उसके जेब से निकले थे। मैं भाई, अभी तो तू कह रहा था कि बारात लूट के मिले, और अब तू मेरा नाम लगा रहा है। गलत। फाटक पे और कौन कौन था? सरदार, सरदार सच बताओ, फाटक पे और क्या क्या हुआ था वहाँ? कहानी खत्म नहीं हुई। पूछ रहे थे ना वो दोनों क्या हेल्प करेंगे, अभी पता लगेगा। झूठ बोल रहा है, उस समय तो ये दोनों फाटक पे थे ही नहीं सरदार। नहीं सरदार, फाटक छोड़कर हम हटे ही नहीं, हम तो वहीं थे। नहीं, इन गद्दारों ने हमारे सामने इंस्पेक्टर से घूस लिया था, इनका भरोसा मत करना सरदार। नहीं सरदार, ये लोग बचने के लिए हम दोनों को फंसा रहे हैं। हाँ सरदार, इन लोगों ने इंस्पेक्टर के जेब से तो कोई हीरे नहीं निकाले थे। जिंदा रहने का आखिरी मौका देता हूं, सच बोल दे, क्या ये सब तुम्हारे साथी हैं? आपको क्या लगता है बनमुशी, जयराम सर क्या करेंगे? सरदार, भद्रा झूठ बोल रहा है। याद करो बैंडमास्टर जी, यहां कोई साजिश चल रही है। 15 साल पहले ऐसे ही घटना घटी थी। यकीन कीजिए, आज तक मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है सरदार, भरोसा कीजिए। ये इंस्पेक्टर, चल भरोसा कर लिया, तुकाराम की अंगूठी कैसे मिली ये बता दे। एक तरफ था बंदूक लिए रामराम, और दूसरी तरफ थे 6 नाटक मंडली वाले लोग, सबको गोलियों से भून दिया जाता है। मैं वफादार अभिराम, उस तुकाराम से भीख मांगने की मुझे क्या जरूरत? मैं भी यही पूछ रहा हूं नरसी, उस हरामी से भीख मांगने की क्या जरूरत थी तुझे? उस दिन के शौक से आज तक उबर नहीं सके बैंडमास्टर जी, अगर वही घटना फिर से आपके सामने घटे तो? नीयत साफ है मेरी, आज भी इसीलिए आसान मौत दे रहा हूं। गोली सर के पार जाएगी और दर्द भी नहीं होगा। बाबा को प्रणाम कहना। क्या है ना सर, एक ही बार में मरेंगे तो सजा कैसे होगी? वो तो मुक्ति हो गई ना, इन लोगों को तो तिल तिल करके मारना चाहिए। विभासु,
इंस्पेक्टर सही बोल रहा है, इन सबको काल कोठरी में फेंक दो। सर मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। नारायण, नरसी की बात मानो तो ये तमाशा तुम्हारी साजिश भी हो सकती है। सर इतनी हिम्मत में कैसे कर सकता हूँ? होशियारी और बेवकूफी में फर्क जानते हो? होशियारी की सीमा होती है, बेवकूफी की नहीं। 15 साल से जिन्हें ढूंढ रहा था वो तुझे मिल गए, ये जानता हूं मैं। कुछ ही समय में वो सब मेरे किले में आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं उन सबको मुक्ति दे दूंगा और तुझे तुझे मैं मुक्ति नहीं दूंगा नारायणा। जैसा कि तूने ही कहा था, हर रोज तिल तिल करके मारूंगा। चिच्चा को इतना मस्का मारा फिर भी नीचे फेंक दिया। उस इंस्पेक्टर का भरोसा नहीं है। सोचो अगर वो तो कराम का आदमी निकला तो सरदार हम दोनों को कल पक्का जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ना यार, बस तो गए, सरदार को हम पर कोई शक नहीं हुआ, बाकी कल की कल देखी जाएगी। देखो कुछ दिन हमें साथ में रहना होगा, रूममेट्स के बीच में लड़ाई फ्रेंड्स बन जाते हैं। रुको रुको, देखो वहां से भी शेकिंग कर सकते हो। जब जयराम को पता चलेगा कि ये लोग निर्दोष हैं, तो वो हर हाल में असली खबरी को ढूंढ ही निकालेगा। यहां रहना ठीक नहीं है, ये जगह तुरंत खाली करना होगा। तो तुम यहां से सीधे तुकाराम के पास जाओगे? हाँ, ये सुरंग किले के बाहर तक ले जाएगी, चलो। एक मिनट, बस ये 4 मिले हैं, इनका मुंह खुलवाया तो सबका ठिकाना बता देंगे। और ये इन्हें बचा रहा था तो इसे भी उठा लाए। सरदार, हेलो। सरदार को छोड़ दे वरना ये मारा जाएगा। शायद तुम सिचुएशन समझे नहीं। अच्छा ना, सेब। अब हमें साहब अंगूर 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 दीजिए ना। अच्छा तो ना, आप केले भी ले। ताजे हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो मरेगा आपका सरदार, है ना सर? निशाने पर तनी बंदूक को किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं। मुंह क्या देख रहे? जल्दबाजी मत करो, कोई भी गड़बड़ हुई तो सरदार की जान को खतरा होगा। सिचुएशन समझ गए ना, आगे बढ़े। तू कुछ भी कर ले, आज किले से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, जाऊंगा ना सर, सवारी का वेट कर रहा हूं, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। बोलने के लिए कुछ बचा है क्या नारायणा? आपकी हाइट क्या है सर? 7 फीट तो होगी ना? Ha 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 ha!
आदरणीय हाफ ब्रदर। हेलो सर, सही टाइम पे एंट्री मारी, आपको ही याद कर रहा था। 100 साल की उम्र है मेरी। बंदूक नीचे कर दो सर, मैं 3 तक नहीं गिनता। मैंने ही बुलाया है। किले में दोबारा कदम रख के तूने गलती की है तुकाराम। दाढ़ी कच्ची पक्की हो गई लेकिन बॉडी अभी भी फिट है। गुड, देखा मेरे भाई को। भरत मिलाप। तुकाराम सर, दोनों भाई बहुत साल के बाद मिले हैं। हैव गुड टाइम। तो मैं चलूं? अच्छा तो ना? हाँ। नारायण, आई वाज थिंकिंग जिस सांप ने भैया को डसा वो मुझे नहीं डसेगा, इसकी क्या गारंटी है ना बड़े भैया? इसका सर कुचल दे तो, जस्ट टू बी सेफ। तुम्हें क्या लगता है? एक बार नीचे देखिए फिर बताइए क्या लगता है। शांति प्रियो, थोड़ी शांति रखो। अच्युत अन्ना, चलो चलो चलो। एक मिनट, जयराम अगर तुकाराम को ठोके तो तुम लोग जयराम को ठोक देना, और अगर तुकाराम जयराम को ठोके तो तुम लोग तुकाराम को ठोक देना, और अगर तुम दोनों में से कोई बच जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। आई एम क्यूरियस। रुकिए तो, इनमें से किसी एक में तो गोली नहीं है, किसमें? I'm sure you'll find out. किसी का उधार नहीं रखते हम, वक्त आने पर चुका देंगे। साहब चलिए। बाबा को वचन दिया था कि तुमको जान से नहीं मारूंगा, और मैं अपने वचन का पक्का हूं तुकाराम। शांति प्रियो, कांग्रेस। किला हमारा। अरे आज तो बच गए सच में, श्री हरि की वजह से। इतना पंगा लेने के बाद भी क्या मिला हमको? अंगूर, कुछ केले, सेब, वो भी मैंने मत की इसलिए। श्री हरि, आज ये बात सिद्ध हो गई, तुम ही हमारे भगवान हो। अगर हम सबको बचाने के लिए तुम नहीं आते तो शायद वो जयराम हमें मार देता। श्री हरि, आपकी लीला अपरंपार है। भविष्यवाणी का दूसरा भाग। चुताना, इन सबकी बकवास बंद कराइए ना। एक शब्द भी मुंह से निकाला तो शूट कर दूंगा। अच्छा आया साहब। शिरानवर और ओचा केक्षव्रत जारीपा। बंदूक की गोली की आवाज सुनते ही बैंड मास्टर यही लाइन दोहराता है। अच्छा ये लाइन उसे कैसे याद रह गई? दिमाग खराब होने से पहले अगर उसके दिमाग में ये लाइन अटकी है तो इसका मतलब क्या हो? अच्छा शिरानवर रावण का एक नाम, ओरोचा केक्षव्रत जारीपा, ये तो संस्कृत का श्लोक लग रहा है। ओरोचा केक्षव्रत जारीपा, वृत जारीपा। साफ, केक्ष मतलब छोटा सा, वृत मतलब गोला, मतलब सर्कल साहब। शिरान और ओरोचा केक्षव्रत जारीपा मतलब पता है? ठीक से याद करो, कहीं तुम्हारे किसी नाटक में तो ये लाइन नहीं आती? ऐसी लाइन तो नहीं है। तुमको हर नाटक की हर लाइन याद है क्या? क्या बोलते हो साहब,
नींद से भी उठाकर पूछो, फिर भी एक एक लाइन सुना देंगे आपको। गहरी नींद से भी जगा कर पूछो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो, उल्टा भी सीधा भी बोल सके जो। उल्टा सुनाना हो तो? हम लोग तो नहीं श्री हरि। हाँ, पुरानी नाटक मंडली जो थी वो उल्टा याद भी रखती थी और सुना भी सकती थी। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि। नाटक है समुद्र मंथन, सीन 36। समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकलता है और इंद्र उसे नंदन वन में लगा देते हैं। सूर्यास्त होने पर पारिजात वृक्ष पर फूल खिलते हैं और उजाला चारों तरफ फैल जाता है। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वनराशि रोशन हो जाती है। ये लाइन तो नाटक में है श्री हरि। आखिरी नाटक के बारे में बताया था ना श्री हरि, यही है वो समुद्र मंथन। आखिरी नाटक, आखिरी लूट, लगता है छुपाए हुए लूट और पारिजात के पेड़ में कुछ तो कनेक्शन है। चुतना उस लूट तक पहुंचने के लिए नक्शा नहीं बनाया उन्होंने, उसका सुराग आखिरी नाटक में छोड़ गए। अचुतना, अगर हमें पारिजात के पेड़ को ढूंढना है तो इनका आखिरी नाटक देखना पड़ेगा। साहब अब बस ये सब छोड़िए, कब तक इन बेचारों की परीक्षा लेंगे आप? मान क्यों नहीं जाते कि आप ही श्री हरि हैं? मान तो जाऊं अचुतना, लेकिन लेकिन भविष्यवाणी का दूसरा भाग भी तो पूरा करना है श्री हरि। एग्जैक्टली, उसे भी तो पूरा करना है। क्या है वो? क्या है वो? और का लक्ष्मी के बिना श्री हरि अधूरे हैं। श्री हरि तुम्हारे कष्टों को तभी दूर कर पाएंगे जब होगा श्री हरि लक्ष्मी का मिलन। कौन लक्ष्मी? अच्युतना फंस गए, नाटक देखने के लिए इसको पटाना पड़ेगा। किसको? लक्ष्मी को। उसे कुछ खाने को दिया? दो डंडे खिलाया मैंने, पेट भर गया होगा। एक घंटे में सुधा करके प्रेस पहुंचना है, रघु भैया सबको उधर ही ले आएंगे। और सुधाकर? वो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे लोग इसके बदले सुधाकर को श्रीहरी मानेंगे। भविष्यवाणी की दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये श्रीहरी कैसे बनेगा? खाना, खाना। बिरयानी है क्या? वो तो मैंने खाया था, तेरे लिए इडली। अगर ये कहूं कि मैं सुधाकर को पसंद करती हूं, उसके अलावा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती, तो सबको मानना पड़ेगा। शंकु भाई, मेरे आंसू पोंछ दोगे? रोता क्यों है भाई? कुछ नहीं, आप इतने प्यार से खिला रहे हो कि मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो भी ऐसे ही थे, डेली अपने हाथों से खिलाते थे। बेचारे ऐसे एक दिन खिलाते खिलाते चल बसे। क्या हुआ था? लंबी कहानी है बंधु। एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करके घर ले आए थे। पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने दो दिन में ही पता लगाया, घर में घुसे और मेरे आंखों के सामने पापा का एनकाउंटर। लगता है कोई बहुत याद कर रहा है। वो लगता है मेरे डिपार्टमेंट वाले हैं, कल रात से गायब हूं ना मैं, सब मुझको ही याद कर रहे होंगे। शंकु जी, इडली। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आपका एहसान चुकाऊं भी तो कैसे? सुधाकर की जगह मैं थोड़ी ले सकता हूं। ओ गॉड, ये चटनी कितनी तीखी है। लक्ष्मी, मुझे तो इस इंस्पेक्टर को किडनैप करके यहां रखना ठीक नहीं लग रहा है, और सुधाकर के नाम पे फिर से सबको मनाने में भी बहुत टाइम लगेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है शंकु, ऐसे कैसे छोड़ दें? मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
ये यहाँ रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमारे लोगों ने तो इसको श्रीहरी मान ही लिया है, अपने काम के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं ना, अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाते, इस पे नजर रखेंगे। शंकु, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसके लिए मैं मानने वाली नहीं हूँ। मानना ही होगा, लक्ष्मी को हमारे लिए नारायण को अपनाना ही पड़ेगा। अब तो गरुड़ का संदेश भी आ गया है। गरुड़ का संदेश आया तो क्या, कल गरुड़ किसी और पे भी तो बैठ सकता है। लेकिन लक्ष्मी का दिल ऐसा नहीं है, वो पहले से ही किसी और को अपना मान चुकी है। हम नहीं मानते। मानना पड़ेगा, थोड़ी ही देर में लक्ष्मी खुद अपने प्रियतम के साथ यहाँ आने वाली है। अपनी आंखों से देखोगे तभी मानोगे ना, देख लेना, देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं थोड़ा लेट हो गया क्या? तुम जरा कंट्रोल में ही रहो। हाँ चिल लक्ष्मी जी, मैं तो कंट्रोल में। अपनी बात से पलटना मत, आज ही गांव छोड़ने को बोलो। ऑफ कोर्स। एक मिनट, मेरी बात सुनी। हेलो, बस काफी। आप लोगों की खुशी देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपका ये श्रीहरि वादा करता है कि आपकी रक्षा करेगा और आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। और आपका ये श्रीहरि आपसे दिल से कह रहा है कि आपको गांव छोड़ने के लिए आखिरी नाटक करने की जरूरत नहीं है, सब निकल सकते हो। बुरा लगा? हाँ। तो ठीक है, आप नाटक करके ही जाइए। ए डोलची, शुरू कर। ड्रामा मास्टर, ये नाटक पूरा होने तक हम लोग सुधाकर के यहाँ एक फैमिली की तरह रहेंगे। बेचारे सुधाकर जी बचपन से सिंगल हैं, इनका घर आबाद कर देते हैं, है ना सुधाकर? वर्षा पधारे ओ जीवे कम तो गारे, नख चढ़ी है रे बैन सी जी कहे, पारनुहार ओ गुलार बला की जो हैंडसम प्यार, तोरा होरी जी ने मुखड़ा तो काके। निकालो। Narayana, Narayana, Shrimad Narayana।
जश्न है, क्या खुशी। अरे देखिए ना, अरे देखिए तो सही, आपको भी तो इनकी खुशी चाहिए थी। खुश तब रहेंगे जब जिंदा रहेंगे, सबकी जान को खतरे में डाल दिया है। खतरा कहाँ है लक्ष्मी जी, जयराम तो अपनी काल कोठरी में बंद है। और इसके बाद भी आपको इनकी सिक्योरिटी की चिंता है तो बस ये सिग्नल दे दो। पूरे अमरावती में कहीं भी आपके लोग खतरे में हो, मदद टाइम पर पहुंच जाएगी लक्ष्मी जी। हाँ आदरणीय, हाँ ब्रदर, आइए 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 आइए, आप ही का इंतजार था। जीत का जश्न मनाने के लिए कब से कोई खून का रिश्तेदार ढूंढ रहा था, याद आया कि तुम यही हो इसीलिए तुमको बुला लिया। अरे बैठो ना। बाय द वे जय जराओ ना, इसमें याद है कई साल पहले भेस बदल लेने से तेरी रगों में बहता हुआ खून तो नहीं बदलेगा तुकाराम। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ये मत भूल के मेरी रगों में भी राम राम का ही खून बह रहा है। मैं भी यही जीना चाहता था इसी किले में, एक अबीरा की तरह पूरे शान। कभी हम जैसा था ही नहीं, बाबा तुझसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते थे, जलता था तुम मुझसे, इसीलिए तूने उनको ही। बाबा के मन में तेरे लिए भरोसा नहीं, रहम था। जो कुछ मैंने भोगा है वो तुझे भी भुगतना ही होगा जयराम, जितना कुछ तूने मुझसे छीना है वो सारा कुछ मैं तुझसे छीन के ही रहूंगा। बाबा ने नाटक मंडली के पूरे खानदान को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी और मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे सौंप गए थे। पता है क्यों? उन्हें पता था तू सतयुग में कुछ ऐसा हुआ था कि अमृत पाने के लिए देव और दानव दोनों ने मिलके समुद्र मंथन शुरू कर, और इसे पाने की विधि मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित मंदार को अपनी मथनी बनाई है और वासुकी को उसकी नेति। मंदार पर्वत मथनी बना और वासुकी मथनी की रस्सी बना। देखिए समुद्र मंथन कार्य प्रारंभ किया जाए। ये समुद्र मंथन करने पर अमृत के साथ ये कामधेनु, ऐरावत, चंद्र, लक्ष्मी, ऐसे ही 14 रत्नों का उद्भव हुआ। आहा। उन्हीं में से एक रत्न ये वाला, ये पारिजात है। ओह, इसका मतलब अगर पारिजात का पेड़ मिल गया तो हमें लूट का माल भी मिल जाएगा। मिल तो सकता है लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? सिंपल है चुतोना, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज। स्टेज पे क्या क्या दिख रहा है आपको? राक्षस है, देवता है। हाँ। और आहा, ये मंदार पर्वत क्षीर सागर के ऊपर है। सो शेषगिरी पर्वत। एग्जैक्टली, क्षीर सागर मंदार पर्वत। पर ये पहाड़ इतना बड़ा है कि इस पर पारिजात का पेड़ ढूंढने में हमको कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे साहब। पूरा पहाड़ नहीं ढूंढना है चुतोड़ना। सीन 36, समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकलता है और
इंद्र उसे नंदनवन में लगा देते हैं। बस नंदनवन मतलब जंगल, सो हमें सिर्फ इस पहाड़ का जंगल छानना है। इस पहाड़ पे जंगल तो क्या, एक पेड़ भी नहीं है। नहीं है? 100% नहीं है। जंगल तो सिर्फ कल्पगिरी, विश्वामाला, पुष्पगिरी पर ही मिलेंगे। इसका मतलब हम कुछ तो मिस कर रहे हैं चुतौना। हमें सही सुराग मिलने तक कुछ और बार नाटक का रिहर्सल देखना होगा। अब रिहर्सल देखने के लिए रात तक वेट करना पड़ेगा। सुधाकर, ये लो सब में बांट दो। जी सुनिए साहब, इस लक्ष्मी जी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना तो पड़ेगा। ड्रामा मास्टर, हाँ वो क्या है कि मैं सोच रहा था सबके आशीर्वाद से मैं और लक्ष्मी जी पहले शादी कर लेते हैं, नाटक तो बाद में करते रहेंगे। क्यों, ये कैसे हो सकता है? आखिरी नाटक खत्म होने के बाद ही आप कर्तव्य से मुक्त हो पाएंगे। तब तक लक्ष्मी को आपके लिए रुकना ही पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? बेचारी सीधी साधी लड़की को कितना सताएंगे? उस लक्ष्मी ने क्षीर सागर से उद्भव होकर श्रीहरि विष्णु के समुद्र मंथन समाप्त करने तक मेरु पर्वत के जंगल में जाकर घोर तपस्या नहीं की थी। मतलब उस लक्ष्मी के किए का फल इस लक्ष्मी को भुगतना पड़ेगा। बेचारी लक्ष्मी जी को मेरे लिए कितना वेट करना पड़ेगा? ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा साहब, भाभी जी ऑलरेडी कार्ड बांट रहे हैं। रियली? सुनिए सुनिए, ये लो भारती भी आ गए। लो अब पुलिस हफ्ता देगी। आज से आप लोगों की सारी चिंता। एक मिनट, एक मिनट। और ये क्या है लक्ष्मी जी, चार दिन में आखिरी नाटक हो रहा है? आपके इतने वर्षों का सपना आपके श्रीहरि की कृपा से आज साकार होगा। जाइए तैयारी कीजिए। लक्ष्मी जी मुझे तो नाटक की एक दो और रिहर्सल देखनी थी। ओहो अब क्या करें, अब तो नाटक का सारा सामान भी इकट्ठा होने लगा है। आज से ये सब लोग नाटक की तैयारी में बिजी हो जाएंगे ना। देखिए लक्ष्मी जी ये बिल्कुल गलत है। देखो उधर देखो तो सही नारायणा, क्या जश्न क्या खुशी, तुमको भी तो इनकी खुशी चाहिए थी ना। रुको, रुक जाओ सब लोग, प्लीज कोई खुशी मत मनाओ, मैंने नाटक करने की परमिशन दी नहीं। बुरा लगा? हाँ फिर तो ये हाँ बोल देंगे, आपके श्रीहरि ने वादा किया था कि आपको कभी दुख नहीं पहुंचा। श्रीहरि की जय, 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 श्रीहरि की। ओ भैया सो रहे हैं अभी तक? नहीं 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 जगाओ मत उन्हें, खाओ ताजा है अभी। चैन से सोने दो। रामचंद्र जी आप में से कोई सज्जन पुरुष है जो इनको इस दुख से मुक्ति दे दे? तुकाराम जी आप सबको इस काल कोठरी से मुक्त कर देंगे। तड़ीपा एक काम था मुझे तुमसे। मास्टर मुझे रखे या ऐसे भी निकाल दे। बोलिए ना मास्टर। अरे वो ऐसे जवाब नहीं देंगे, कान में उंगली करके देखो फट से बोलेंगे। लक्ष्मी जी के बारे में कितनी अच्छी सोच थी मेरी, सब चौपड़ कर दिया। साहब नाटक की रिहर्सल देखे बिना हमें लूट का सुराग कैसे मिलेगा? बोला था ना फट से बोलेंगे। ये मंदार पर्वत और शेषगिरी की सिमिलैरिटी को हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर पारिजात पेड़ है तो जंगल में, मगर शेषगिरी में जंगल नहीं है। पर साहब हम इतने टाइम से पारिजात पे ही क्यों अटके हुए हैं? बाकी के 13 रत्नों में से कोई सुराग हुआ तो? कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। बेकसूर होके भी आप सालों तक सजा भुगतते रहे, आपकी इस हालत का कारण हम लोग भी हैं। बीते हुए समय को तो हम वापस नहीं बुला सकते, पर आने वाले कल में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज से आप ही नहीं आपका संगीत भी आजाद है, भरोसा कीजिए।
हमें कुछ सुनाएंगे प्लीज? अम्मा की दवाई ले आओ जाके, हंस रही है कल से। लक्ष्मी जी, बाजा आपने ठीक करवाया क्या? सब आपके दोस्त हैं बैंड मास्टर जी, डरने की जरूरत नहीं है। लॉरी, लॉरी वापस कर दो मेरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चले जाना बैंड मास्टर, लेकिन जाने से पहले लूट का माल कहाँ छुपा है बता के जाना। वो बिल? कौन सी बिल? उस लूट को मैं ढूंढ लूंगा, मुझसे आज तक कोई चीज छिप नहीं पाई। बंदूकें तो इकट्ठी हो गई है उग्रा, लेकिन सरदार को छुड़ाने के लिए हमारे पास आदमी कम है और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। बैंड मास्टर चकमा देके भाग गया। डोंट वरी, ढूंढने का बंदोबस्त कर लिया है। जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी। I'm sure. लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण अलग है बस। सॉरी, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे कमरे की तलाशी ली। ये क्या है नारायणा? कोई घिसी हुई पेंटिंग लगती है, क्या छपा है कुछ? नाटक मत कर, ये देवी लक्ष्मी का चित्र है जो लूट के सिक्कों पर छपा है। हमको पता है कि तुम लूट के पीछे पड़े हो। इतने दिनों से तुम अपने स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। भावनाओं के बारे में आप नहीं बोले तो बेहतर होगा लक्ष्मी जी। सुधाकर जी को श्रीहरि बना के सबको धोखा देने का प्लान आपका भी था। वो सब मैंने उनकी जान बचाने के लिए किया था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने पापा की गलती का प्रायश्चित करना था आपको, क्या ये स्वार्थ नहीं है? अगर उस दिन वो लोग लूट के साथ अमरावती से भाग जाते तो आज आप लोग उसी पैसे से ऐश कर रहे होते, क्या ये गलत नहीं होता? सही गलत तो सिर्फ नजरिया होता है लक्ष्मी जी, हमें दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं। और मेरे नजरिए से देखें तो मैं भी गलत नहीं हूं। हम सब के अंदर एक रावण बसता है और एक नारायण भी। मेरे पापा ने रावण का पात्र करते करते अपने अंदर के रावण को चुना। तुम भी वही गलती कर रहे हो। जब तुम्हारे अंदर का रावण खत्म होगा और नारायण जाग उठेगा,
उस दिन सही क्या है और गलत क्या है समझ जाओगे। लक्ष्मी, उड़ गया नारायणा, चले जाओ। अब हमें कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। हम इतने टाइम से पारिजात में क्यों अटके हैं? सुराग बाकी 13 रत्नों में से किसी में हुआ तो? उस लक्ष्मी ने शीर सागर से उद्भव होकर श्रीहरि विष्णु के समुद्र मंथन समाप्त करने तक मेरु पर्वत के जंगल में जाकर घोर तपस्या नहीं की थी? मेरु पर्वत, मेरु 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 पर्वत, मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित मंदार को अपनी मथनी बनाई है। मेरु पर्वत के पूर्व में है मंदार, इसका मतलब मंदार के पश्चिम में मेरु। जंगल तो सिर्फ कल्पगिरी, विश्वामाला और पुष्पगिरी पर ही मिलेंगे। लक्ष्मी, इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। इन सबको उठा के कमरे में डालो। ए, चलो उठाओ उठाओ, जल्दी करो। लक्ष्मी जी को मैं उठाता। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम सब लोग यहाँ कैसे? मुझे पता नहीं लक्ष्मी, कल रात को खीर खा के सोए और सुबह उठ के देखा तो बंदे पड़े थे। ये रस्सी खोलो। हाँ, सुबह से श्री हरि भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये सब तुम्हारे श्री हरि का किया दर है। फिर तो उनका कोई प्लान होगा। रस्सी ऐसे रहने देते हैं। श्री हरि का प्लान क्या है ये मैं? आप सबसे कुछ कहना चाहती हूं। साहब, इस जंगल में कहां ढूंढेंगे? लक्ष्मी ने पेड़ के नीचे तपस्या की थी अच्युतन। यहां तो किसी भी पेड़ पे कोई निशान उशान नहीं दिख रहा है। साहब, इतने सारे पेड़ हैं, पता नहीं सालों ने कहाँ छुपाया होगा। आप होते तो किस पेड़ के नीचे छुपाते अच्युतना? सबसे ऊंचे वाले पेड़ के नीचे। सभी पेड़ तो एक बराबर ही हैं। तब तो मैं सबसे तगड़ा वाला पेड़ ही चुनता। बेसिकली आप उसी पेड़ को चुनते जो सबसे यूनिक है। तुम लोगों को जो भी पेड़ थोड़ा सा अलग लगे उसके नीचे खोदो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। वो बेल निशान लगाया नहीं, अगर चढ़ाया गया है तो निशान नहीं लगाया। ये बेल चढ़ा के गए हैं। गरुड़ को सुधाकर के ऊपर बिठाने का प्लान था तुम्हारा, लेकिन वो बैठा किस पर? नारायणा पर। फिर तो ईश्वर की यही इच्छा होगी। अगर वो सच में श्री हरि है तो लक्ष्मी का दिल जीत लेता, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। सुधाकर। लक्ष्मी, पता था ये नारायण भसड़ मचाएगा, मुझे पता था। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए सारी व्यवस्था कर ली है मैंने। आप लोग डरो मत, गन तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। ए, 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 क्या कर रहे हो? अरे कहां लेके जा रहे हो उनको?
तकलीफ क्यों उठा रहा है नारायणा? इसके आगे किस्मत साथ नहीं देगी। किस्मत बदल भी सकती है तेरे पर। तुकाराम को खबर कर दो, जाओ। सिंहासन पर बैठते ही अपने साम्राज्य को आग लगाने वाला मैं पहला राजा बनूंगा। लक्ष्मी, तैयारी शुरू करो। कौन है? ए, जाके देख कौन है। अपना काम करो। पूरा किला जल के राख हो जाना चाहिए। आग कब लगानी है? बता देंगे, तू तेल से तर करता रहे। सबके मरने से बेहतर है कि उसी को मारकर सबके सब बच जाएं। वो सरदार है, सरदार को धोखा दिया तो सिंहासन से गद्दारी कहलाएगी। इतने सालों तक वफादारी करता रहा, बदले में क्या दिया तुम्हारे सरदार ने? वो 2% का इंस्पेक्टर, उसकी बातों में आकर सरदार हमारी जान लेने पर उतर आया। अब मरने दो सरदार को। नरसी, इस समय हमारा लक्ष्य सिर्फ यहां से बाहर निकलना है। रास्ता ढूंढ ले वे भासु, तुकाराम के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा, तभी हम सब अपने सर कटने से बचा पाएंगे। कब तक तो मैं चुप था, और मारो तो हड्डी पसली कर दूंगा। ओए, मेरे साहब को एक बार और मारो तो समझ लेना। अच्छा जरा आपको कसम है, चुप हो जाओ। जितना बोल रहे उतनी ही जुलाई कर रहे लोग। इसकी सेवा सत्कार करते रहो। बेटी को जीप में डालो, तुकाराम हम सबका इंतजार कर रहा होगा। पुराने जमाने का खजाना है तो एक बार खोल के देख ले क्या। तुकाराम को पता चला तो अभिराम और नाटक पंडली के साथ किले में हमारी चिता भी जला देगा। तुकाराम ने तेरी नाटक मंडली वालों को कैद कर लिया है, सुबह तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुकाराम को कैसे पता चलेगा? खजाना देखने में क्या जाता है तड़ीपार? ठीक है ठीक है, जल्दी से नजर मार ले। तो पत्थर भरे हैं, लूट का माल कहां है बता। कांस्टेबल को यही लटका के सब किले पे पहुंचो। मैं जाकर तुकाराम को खबर करता हूं। डर से बचने के लिए तुम लोगों के सामने दो रास्ते हैं। मुझसे वफादारी करो या फिर तुकाराम के तलवे चाटो। बी Yeah.
मेरे बरसों का सपना आज जाकर पूरा होगा रामचंद्र जी। मैं इस किले में अभिराओं को तूने बाबा को वचन दिया था तू मुझे मार नहीं सकता जयराम। किसने कहा मैं तुझे मारूंगा? इतने साल बाद मिला है तड़ीबार, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन गद्दार का गद्दार ही रहा। चल मौत बुला रही है तुझे। तड़ी पार सरदार, लूट की पेटी तो मिल गई लेकिन उसमें सिर्फ पत्थर थे। बैंड मास्टर, नहीं, पेटी में सिक्के थे, मैंने खुद देखा था। लूट उसमें थी मगर अब नहीं है। इसका मतलब किसी ने उसको वहां से निकाल लिया है, लूट का माल छुपाया तुम लोगों ने, निकाला भी तुम लोगों में से ही किसी ने। किसने? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम सबके शरीर की चमड़ी छील छील के मैं अमरावती में लाशों का ढेर खड़ा कर दूंगा। लूट कहाँ है? साला इतना झमेला किया इस लूट के लिए, मिली भी तो ये खाली पेटी। बेचारे पापा भी ढूंढ रहे होंगे मुझे। बाप रे, ओके, ओके। ये कैसी खुशबू है? कुछ तो बढ़िया स्मेल आ रही है भाई। फ्लावर, बेचारा अभी अभी खिला है पर मेरे साथ ही मुरझा जाएगा। इसकी लाइफ भी मीनिंगलेस है, बिल्कुल मेरी तरह। वेट, मीनिंग है। ये शाम को खिला है, इसका मतलब पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि, पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि, पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि। सूर्यास्त होने पर पारिजात वृक्ष पर फूल खिलते हैं और उजाला चारों तरफ फैल जाता है। पारिजात वृक्ष के चारों ओर वन राशि रोशन हो जाती है। लूट तो मिल गई पर माल हाथ आया मुंह को ना लगा। नारायण, ऑक्सीजन! अरे जिंदा ही नहीं बचूंगा तो ऑक्सीजन बचा के करूंगा क्या? मिलने के बाद भी कितनी देर लगा दी। आइए साहब, बाहर आइए। आ तो गए थे टाइम पे। जब ये लोग तुमको कूट रहे थे उसी टाइम तो आए क्यों नहीं? इतनी देर साहब के मरने का वेट कर रहे थे क्या? उधार सिर्फ जान बचाने का था।
हमारा हिसाब बराबर। लूट कहाँ है? कहाँ है लूट? भी वही है जयराम, तुम लोगों से बहुत दूर। बता दूंगी कहां है, लेकिन मेरे लोगों को तुम्हें जिंदा छोड़ना होगा। वचन दिया था, तुम्हारे खानदान की चिता मेरे बदले की आग से जलेगी, और एक अभीरा अपने वचन से पीछे नहीं हटता। लूटने वाले सब लोग मर चुके हैं, ये उनके किए की सजा नहीं भुगतेंगे जयराम। तुम्हें लूट चाहिए या हम सबकी जान, फैसला तुम्हें करना है। डरने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, श्रीहरी जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रीहरी कहाँ है तेरा श्री? सिर्फ मैं जानती हूँ कि लूट का माल कहाँ है। अगर मेरे लोगों को कुछ भी हुआ ना, तो ना लूट मिलेगी ना सिंहासन। हेलो ब्रदर, तुम्हारे लिए पार्सल आया है। अमरावती पुलिस डिपार्टमेंट की चौकन्नी आके और पैनी बंदूक के आपको चारों तरफ से घेर चुकी है। इस जानलेवा चेतावनी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना पेश करता हूं। एक मिनट, कोई अपनी जगह से हिले नहीं है? कोई भी अपनी जगह से हिला तो अंजाम क्या होगा उसका एक नमूना इन सबको दिखाता हूं। बॉयस, जरा देख के शूट करो, ओके? नमूना देख लिया ना, तो चलो अपनी अपनी बंदूकें फायर। बिजनेस प्रपोजल है, 15 सालों से जो आप लोग ढूंढ रहे थे उसे मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर, हाँ गौर कीजिएगा, जान की बाजी लगाकर लक्ष्मी जी मैंने लूट के माल को आपके लिए ढूंढ निकाला। सो यस, यहां जो भी अभिराओं का सरदार बनना चाहता है वो हाथ उठाए, बदले में इन लोगों को जिंदा छोड़ना होगा। गिव एंड टेक, क्या बोलते हो? लूट तो तू लेकर आ गया लेकिन जान की बाजी अब लगा रहा है। आप चुप रहिए सर, आप तो वचन तोड़ के इन लोगों को जिंदा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने वचन तोड़ ही दिया है। सो यस, मार्केट ओपन हो चुका है, जो भी सरदार बनने में इंटरेस्टेड हो बिना संकोच के हाथ उठाए। देर, ये रहे पहले उम्मीदवार, सेकंड कैंडिडेट। गुड, हाँ आप, यू सीम लाइक एन इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, आगे आइए। आपका नाम? जयराम सर, मेरी बात सुनिए।
मैंने पहले ही कहा था, होशियारी की सीमा पार करना बेवकूफी होती है। जान की बाजी लगाई थी ना नारायण, अब जान देने के लिए तैयार हो जा। जब इस सिंहासन का कोई दावेदार नहीं, मैं बैठता हूं और बाबा को दिया हुआ वचन भी पूरा करूंगा। अब बुला अपने श्रीहरि को। बुला! सात पहाड़ों के राजा, अभिराम के सरदार, राम राम की धर्म संतान, मैं जयराम अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करते हुए। सर एक है, इधर आपने अभी बोला ना कोई दावेदार नहीं है, इधर एक है। जेंटलमैन, कल को अभिराम का इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे, एक उसके सरदार बनने से पहले, एक उसके सरदार बनने के बाद। कौन है वो? नाम है श्रीमान नारायण। जयराम सर, शांति। रूल के हिसाब से लूट ढूंढते ही मैं सरदार बन चुका हूं, और अब मैं सरदार बन गया हूं तो अभिराव के इतिहास में लिखने के लिए क्या बचेगा? सिर्फ एक फुल स्टॉप। बताओ क्यों? अभीर परंपरा आज से खत्म, आज के बाद इस प्रथा का पालन करने की जरूरत नहीं। यह सरदार श्रीमन नारायण का पहला और आखिरी आदेश है। देखिए, किले के बाहर आग लग चुकी है और थोड़ी देर में आग अंदर तक आ जाएगी। तुम लोगों की फैमिली है यार, उनके बारे में तो सोचो। देखो अपने सरदार की बात मानो, प्लीज निकल जाओ। किसी ने भी यहां से हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। आ, आ, आ। देखो तुम्हें से कई लोगों ने सरदार बनने के लिए हाथ उठाया था। जयराम सर वैसे भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुड। आ जाओ, चलो, जल्दी चलो। ए लक्ष्मी, चलो। तू जिस इतिहास को खत्म करने चला है, मैं उसी इतिहास को तेरी मौत से फिर शुरू करूंगा। Ah!
अरे वो इतिहास शुरू करने वाला कहाँ गया? अच्छा यहाँ। आजा
सिर्फ हमारी जान नहीं, पूरे अमरावती की। अंदर का नारायण जाग गया ना लक्ष्मी जी, मरता हुआ नहीं छोड़ पाया। श्री हरि, आपकी कृपा से अमृत देवो को प्राप्त हुआ और अब लक्ष्मी नारायण का विवाह हो जाए तो लोक कल्याण हो जाएगा। मंगलम दया मंगलम। आपको क्या लगता है सुधाकर? किस बारे में? यही लक्ष्मी नारायण का विवाह। तुम्हारे लायक नहीं है लक्ष्मी, तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा नहीं है सुधाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोली? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रही है। शर्मा रही है लक्ष्मी। और आगे क्या सोचा? नारायणा कहाँ है? Who are you? उसका बाप।